नमस्कार दोस्तों, आज हम ढाबा स्टाइल मसाला अरबी की सब्जी बनाएंगे। अरबी की सब्जी लोगों को ज़्यादातर पसंद नहीं आती, लेकिन अगर इस तरीके से आप घर पे सब्जी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल मसाला अरबी की। यहाँ पर जो है मीडियम साइज़ की यानी बड़ी साइज़ की जो अरबी है वो ली है मैंने। बाजार में इस तरीके की अरबी भी मिलती है और छोटी वाली अरबी भी मिलती है, तो आपको जैसी पसंद है वैसी ले सकते हैं। छोटी वाली अरबी को उबालते वक्त ध्यान रखिएगा कि उसको ज़्यादा उबालिएगा मत, यानी कुकर में सीटी देने की जरूरत नहीं है, भाप में ही वो पक जाएगी, नहीं तो वो है बिल्कुल मैशी और गल जाएगी, इसलिए इसको कुकर में सीटी मत दीजिएगा। यहाँ पर अरबी को धो दिया है मैंने साफ पानी से। इसके बाद कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हमने एक सीटी दी है। अरबी पे मिट्टी लगी हुई होती है इसलिए इसे साफ पानी से धोने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारी अरबी जो एक सीटी में उबल गई है तो हमने इसका छिलका निकाल दिया और एक तरफ रख दिया है। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची लंबी वाली कटी हुई, साथ में बारीक कटी हुई और धनिया लेंगे। अब हम अरबी को शैलो फ्राई करेंगे, तो यहाँ पर नॉनस्टिक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। आप चाहें तो अरबी को डीप फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई करने से अरबी का जो है स्वाद ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम शैलो फ्राई करेंगे। तो सारी अरबी जो है मैंने डाल दी है। अरबी के मैंने यहाँ पर टुकड़े नहीं किए हैं, आप चाहें तो बड़ी वाली ले रहे हैं तो उसको छोटे दो दो टुकड़े भी कर सकते हैं। इनको हम थोड़ा सा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जो है 1 चम्मच भुना हुआ बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ बेसन इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो सिंपली भी इसको फ्राई करके ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए अलग से मसाले डाले हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है भुना हुआ बेसन के साथ में, नमक डाला है, हल्दी का पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है। और अब हम इन मसालों के साथ में अरबी को अच्छे से भून देंगे। मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी अरबी के ऊपर, इसलिए हम इनको अच्छे से सेलो फ्राई कर देंगे। यहाँ पर हमारी अरबी जो है अच्छे से शैलो फ्राई हो गई है, अच्छे से मसाले इसके ऊपर कोट हो गए हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब मैंने एक जो है कढ़ाई चढ़ाई है गैस पे, स्टील की कढ़ाई है। यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाला है 2 टेबल स्पून जितना। इसके बाद हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे, तेल गर्म हो जाएगा तब। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालेंगे और कटा हुआ प्याज और कटा हुआ लहसुन जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्ची हम इसके अंदर डाल देंगे और प्याज और लहसुन को हम अच्छे से भून देंगे। आंच को हमें थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। अब जब हमारा प्याज अच्छे से भून जाएगा तब हम इसके अंदर अदरक डाल देंगे और साथ में लंबी कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे। जैसे ढाबे में डालते हैं हरी मिर्ची लंबी कटी हुई भी डालते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो प्याज अदरक लहसुन अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है इसके अंदर, साथ ही साथ धनिया का पाउडर डालूंगी, नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार। इसके अंदर जो है हमने काजू का पाउडर डाला है। कई बार जो है काजू कतली बनाते वक्त काजू का पाउडर भी बच जाता है, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो 2-3 चम्मच जितना हमें काजू का पाउडर डालना है। और यहाँ पर जो है 2-3 चम्मच मैंने नारियल का पाउडर डाला है। तो इनमें से जो भी चीज़ आपके पास नहीं अवेलेबल है या आप नहीं डालना चाहते तो उसे स्किप कर सकते हैं। इनको हम अच्छे से भून देंगे। साथ ही साथ 1 कप जो है दही को हम फेंट के इसके अंदर डालेंगे। दही डालते ही तुरंत हमें ग्रेवी में इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, नहीं तो हमारी जो है दही फटने लग जाएगी और ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। इसके अंदर हमने जो है दही को डालने के बाद थोड़ा सा मसाले को टेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर हल्दी का पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और इसको हम अच्छे से दही को अच्छे से पकाएंगे। इसके अंदर अभी हमने पानी नहीं डाला है। काजू का पाउडर डालने से ग्रेवी जो है हमारी काफ़ी गाढ़ी बनती है, तो हम इसके अंदर बाद में पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने जो है भुनी हुई अरबी इसके अंदर डाल दी है मसाले वाली। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे अरबी को अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स करने के बाद में। पानी आप आवश्यकता के अनुसार डालिएगा, जितना आपको ग्रेवी के अंदर तरी चाहिए उतना पानी डालिएगा। अगर तरी वाली ग्रेवी नहीं चाहिए और ड्राई ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा कम पानी डालिएगा। यहाँ पर ढक्कन लगाकर हम इसे थोड़ी सी धीमी आँच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि अरबी हमारी ऑलरेडी भुनी हुई है तो हम इसको 5 से 7 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे और धीमी आँच पर पकाएंगे। यहाँ पर देखिए 5 से 7 मिनट के बाद हमारे ग्रेवी पे जो है अच्छी सी रंगत आ गई है, यानी तरी आ गई है। तो हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर फेटी हुई मलाई या फिर क्रीम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच जितना। गैस को मैंने बंद कर दिया है।
और कटा हुआ धनिया जो है अरबी पे डाल दिया है, यानी अरबी मसाला जो है ढाबा स्टाइल हमारा बन के तैयार हो गया है। इसे चपाती के साथ में, नान के साथ में, पराठे के साथ में सर्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अरबी मसाले की सब्जी कैसी लगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।